लग रहा है आज कहीं कहीं जाने का मन बना रहा होगा। कहाँ जाएंगे, करोना राज में कहीं जाने का मतलब यही नहीं है। आज सैटरडे है, पार्थों का छुट्टी है, बट कहीं नहीं निकल पाते हैं, सिर्फ घर पे रहो और क्या। और अभी तो ऐसा है कि मॉर्निंग में भी मुझे ये करने का टाइम नहीं मिलता है, वर्कआउट करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। तो मैं और मेरी फ्रेंड अभी हम लोग क्या करते हैं, वीडियो कॉल पे हम दोनों एक साथ वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन शाम को 5 से 6 करती हूँ। इतनी पसीना होता है मुझे, मेरा तो पूरा एकदम बाल गीला हो जाता है, इसलिए बाल खोल के रखे हैं सुखाने के लिए। बहुत ही हालत खराब है, जितना भी करो काम कम ही है, करते जाओ, दिन भर करते जाओ, करते ही जाओ। अभी बाहर वाले रूम में पूरा फैला हुआ है, वहाँ पे मैट पड़ा हुआ है, वो सब अभी रखना भी है। मैट को फोल्ड करके रखती हूँ, मॉर्निंग में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है तो शाम को ही करती हूँ, लेकिन शाम को करने के लिए मेरा इतना स्वेटिंग होता है तो मुझे थोड़ा सा सर्दी भी हो जा रहा है, और मुझे तो बिल्कुल बाल खुला पसंद नहीं है। मैं तो इसलिए, आप लोग देखते हैं यहाँ पे एक पुटली बन के वो क्लैचर्स दे के बांध के रखती हूँ, और ये बॉटल मेरा अभी डंबल का काम कर रहा है। ये तो देखिए मुगुर बोलते हैं ना, मुगुर वो वर्कआउट करने के टाइम जो यूज़ होता है, वर्कआउट नहीं सॉरी कुश्ती, कुश्ती के टाइम जो यूज़ होता है ना, फिर ऐसा ऐसा करके घुमाते हैं, तो ये उसी टाइप का है। इसमें पानी भर के फिर मैं इसको अभी डंबल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि जिम तो नहीं जा सकते हैं अभी। तो इसके लिए सोच रही हूँ कि एक 3 का और एक 5 का डंबल ले लेते हैं, जो कि घर पे वर्कआउट करने के लिए अच्छा भी रहेगा। तो अभी जाते हैं, चाय पीते हैं। शाम हो गया, कितना बज गया, 7:30 हो गया, अभी तक चाय भी नहीं पिया। पार्थों को चाय लाने बोले थे, ग्रीन टी, तो उसको समझ में नहीं आया तो ये वाला लेके आ गया। इसमें टी बैग्स है, बट ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसका जो ये है ना, ये टी बैग का स्मेल आ जाता है चाय में। तो मैं तो इसको क्या करती हूँ, अभी इसको ख़त्म भी करना है, तो ऐसे ही पानी गर्म करके फिर इसको टी बैग को काट के मैं डाल देती हूँ। कलर अच्छा आया, पियू को भी आजकल ग्रीन टी पीने का मन है, और शक भी बहुत चढ़ा है उसको कि अभी मुझे डाइट करना है। एक दिन डाइट किया, सुबह से कुछ नहीं खाई, शाम होते होते फिर मम्मी मुझे भूख लग गया और दबा के खाना खा लिया, हो गया उसका डाइट कैंसिल। तो थोड़ा सा तो अपने ऊपर कंट्रोल रखना है डाइट करने टाइम, जैसा मीठा नहीं खाना है, कोई जंक फूड नहीं खाना है, ज़्यादा ऑयली नहीं खाना है, तो ये सब थोड़ा सा तो कंट्रोल करना है। और मैक्सिमम सलाद और प्रोटीन डाइट के ऊपर ही रहना होता है, जो मैंने किया। हाँ, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ, तो और मैंने जो भी किया है ये डाइटिशियन के मतलब ये लेके मैंने उन्होंने जो प्रेस्क्राइब करके दिया मुझे, मैंने वही फॉलो किया, क्योंकि सबका हेल्थ पैरामीटर एक जैसा नहीं होता है, सब मतलब सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, तो खाने में भी रेस्ट्रिक्शन रहता है। अगर सपोज़ मुझे गोभी पसंद है तो मतलब गोभी मेरे को अगर शूट करता है मेरे हेल्थ के हिसाब से, तो दूसरे को जैसा गोभी नहीं शूट करता है, तो ये सब बहुत कुछ चीज़ रहता है। तो मुझे लगता है कि एक एक्सपर्ट के अंडर रह के यही करना चाहिए, तो मैं भी डाइटिशियन के अंडर पे रह के मैंने अपना डाइट मतलब ये जो मैं किया वो मैंने फॉलो किया, जो अभी भी मैं वही फॉलो करती हूँ। हाँ, बीच बीच में चीट डे जरूर होता है मेरा, मैं कभी पार्टीज में जाती हूँ तो 2 रसगुल्ला या 2 गुलाब जामुन तो जरूर खा के आती हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे फिर से उसको फिर मतलब कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ फिर से उसको रेक्टिफाई करने के लिए, तो बीच बीच में चलता है। तो मैं अभी बना रही हूँ कपकेक बना रही हूँ, लेकिन ये डाइट रेसिपी है, तो मैंने यहाँ पे मैदा वगैरह कुछ नहीं यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कोकोनट पाउडर। और पार्थ और पीयू के लिए रोटी बन गया, और यहाँ पे मैंने मॉर्निंग में मैंने दोपहर के टाइम मैं
चिकन बना के रख दिया था एकदम पतला स्कूप टाइप, तो दोनों को हो जाएगा रोटी और चिकन करी। और मैं अपने लिए ये बनाऊंगी, लेकिन हाँ इसमें भी उन लोगों को बोल रहे कि नहीं हम लोग भी चाहिए, तो इसलिए मैं 3 कप बना रही हूँ। मैं यहाँ पे पीनट बटर ले लिए और इसको थोड़ा सा टाइट है तो हल्का सा थोड़ा सा इसको मिला लेती हूँ। और इसमें मैंने ये मेल्टेड बटर 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि मैं डाइट के हिसाब से बना रही हूँ तो हर चीज़ अमाउंट पे होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और मैं यहाँ पे कोकोनट पाउडर ऐड कर रही हूँ। तीन चम्मच इसको मैं अच्छा से मिक्स कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे 1 कप दूध ले लिया, ये काउ मिल्क है, आप लोग आमंड मिल्क भी ले सकते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं थोड़ा सा मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ये कप ले लिया और इसको मैंने बटर ब्रश कर ले रही हूँ। और ये जो बैटर है इसको मैं पोर कर दूंगी। अब मैं तीनों कप को फिल कर दिया, अभी मैं इसको ओवन में रख रही हूँ। दस मिनट हो गया, ये तैयार भी हो गया। आज का चिकन एकदम पतला एकदम स्क्रू टाइप बना, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, डाइट के हिसाब से बन रहा है आजकल सब कुछ, डाइट के हिसाब से। डाइट करते करते मेरा भी वेट कम हो जाएगा। और ये है कपकेक, आप लोग देख रहे हैं कितने अच्छे से। फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। और पीयू ने तो यहाँ पे हनी लेके रखा है क्योंकि उसको ऐसे पसंद नहीं है, ऊपर से हनी को उसको स्प्रेड करके फिर ये खाएंगे। दोस्तों आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिए घर पे, और कैसा बना कमेंट सेक्शन पे लिखना मत भूलिए। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर पसंद आता है तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग डायरेक्ट यूट्यूब जो आइकॉन है उसमें जाइए और सोमस वर्ल्ड टाइप कीजिए, SOMA SWORLD, सोमस वर्ल्ड, देन सब्सक्राइब बटन जो है उसको प्रेस कीजिए। और बेल आइकॉन जो है वो अगर प्रेस करेंगे तो मेरे आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।